चुनाव आयोग यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बंगाल के दो चरणों के चुनाव हो गए हैं, याद करिए पिछले के चुनावों में कितनी हिंसा होती थी, यहां तक कई लोगों की जान चली जाती थी। अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ कुछ महीने पहले, याद करिए बिहार के चुनाव, कोई ऐसा चुनाव नहीं जाता था जहां सैकड़ों लोग घायल ना हो और दसियों लोगों की हत्या ना होती हो, गोलियां ना चलती हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना बिहार में ना बंगाल में हो पा रहा है। छटपटाहट इस बात की है कि चुनाव आयोग क्यों ईमानदारी से और प्रभावी ढंग से काम करता नजर आ रहा है। हम लोग बहुत सुना करते थे रोहित जी, साइंटिफिक रिगिंग हो जाती है बंगाल में कम्युनिस्टों के जमाने से, अब साइंटिफिक रिगिंग जो भी होती थी हमें तो पता नहीं, पर आजकल नहीं हो पा रही है, इस कारण से समस्या है। और दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं, भारत के इतिहास में यदि न्यायालय के द्वारा कोई चुनाव में धांधली का दोषी सिद्ध हुआ है तो वह थी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 71 में। तो जिसने चुनाव धांधली न्यायालय से प्रूव हो गई उनकी बात के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता। दूसरी बात, आपको सारे आरोप सत्य, अभी सुप्रिया जी कह रही थी पांच राज्य देश का हिस्सा नहीं है, तो यही मैं पूछना चाहता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पांचों राज्यों में सिर्फ असम को छोड़ दे तो बाकी जगह तो मेजोरिटी सीटें विपक्ष ने जीती, केरल में तो हमारा खाता नहीं खुला था, क्यों नहीं मांग की आपने कि दोबारा चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर के द्वारा, बताइए क्यों नहीं मांग की कि वायनाड में भी दोबारा बैलेट पेपर। ये मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, यानी जहां जीत जाएंगे वहां मेरी जीत है, मेरे परिवार की जीत है। किताबें लिख डाली जी ईवीएम की वादा खिलाफी पर, ईवीएम की बेवफाई पर, जो आपने वो बात कही बिल्कुल, उस जमाने में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है टेक्नोलॉजी के काउंटर मेजर्स भी लिए जाते हैं, तो जो सुझाव दिए गए उसके बाद आप तरीके से टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फ्री, जैसे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते चले गए और जो जो उसमें और बेहतर टेक्नोलॉजी होती चली जाती, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, सब में वो चीजें आती, तो उस जमाने में होंगी कमियां, इस कारण से वो ठीक हुआ। अगर आज आप बात है चुनाव आयोग ने हैकिंग के लिए आमंत्रण दिया था भाई 2018 में, आइए भाई जो भी आए हमारी ईवीएम को हैक करके दिखाए तो कोई नहीं गया, हाईजैकिंग का थोड़ी ना दिया था। सुप्रिया श्रीनेत बोलिए फटाफट बोलिए। मुझे ये पूछना है, अगर यही ईवीएम कांग्रेस कैंडिडेट की गाड़ी में मिला होता तो क्या भाजपा के अंदर हाहाकार नहीं मच जाता, सत्ता का नंगा नाच हमें नहीं दिखता? ये लगता है जैसे कोई नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम से निकला हुआ एक एपिसोड है, एक आदमी चुनाव लड़ रहा है उसकी गाड़ी में ईवीएम मिल जाती है, भाजपा कहती है यार टेक्निकली मैं सही बोल रही हूं। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, और भाजपा अपनी दोमुही बातें इसमें जितनी कम बोले उतना अच्छा रहेगा, ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहती हूं कि क्योंकि वीवीपैट का जो मैंडेट है वो 100% नहीं है, मैं चाहती हूं कि वीवीपैट की अब तो 100% जहां पर भी चुनाव हो रहा है इस बार ईवीएम से वीवीपैट 100% काउंट हो, क्योंकि वीवीपैट का काउंट होना ही बताएगा कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए इस देश में बड़ी लड़ाई हुई, इस देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हुआ और जब हम आजाद हुए और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो अमेरिका तक के देशों में नहीं था, सबको चुनाव में मताधिकार का हक दिया गया, अधिकार दिया गया। अगर उस अधिकार की आज अवमानना होगी, अगर उस अधिकार का आज दमन होगा तो क्या लोग चुप रहेंगे? क्या यह महज सहयोग है कि हम जहां जाते हैं वहां हमसे लोग कहते हैं अरे ये ईवीएम हटाइए जब तक ये ईवीएम रहेगा? क्या ये महज सहयोग है कि गांव के गांव कहते हैं हमने फलाने को वोट दिया नहीं लेकिन कैसे फलाना जीत गया? क्या ये महज सहयोग है कि आज हम जब चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं तो भाजपा उसको ऐसे दरकिनार कर देना चाह रही है? और अजय आलोक जी आप तो जितना कम बोलिए उतना अच्छा ही रहेगा। मैं एक मिनट एक बात मैं वही पूछने वाला था कि अजय आलोक ने कुछ बातें आपके लिए कही हैं, उन पर तो जवाब दीजिए। हाँ मैं बता रही हूँ, हाँ बिहार में आपका कितना वजूद बचा है ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, बाहर तो आपका कोई वजूद है नहीं, तो हमारे वजूद पर और आती हुई बाढ़ पर से ज्यादा तो है ना, ना करिए अपनी चिंता कीजिए ना, अपने वजूद को बचा कर रखिए ना। राष्ट्रीय पार्टी के आपके चीफ मिनिस्टर परेशान है किस तरह से उनका कर घटाया जा रहा है, किस तरह से उनका दमन हो रहा है, अरे शरण तो आप लोगों को आती नहीं है, आपके राष्ट्रीय नेता कलकत्ता बंगाल गहनी चुनाव प्रचार करने मुझे बोल रहे हैं।